Hello girls, मैं निशी कौशिक HOD टेक्सटाइल डिज़ाइन गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर. गर्ल्स, जैसा आप लोगों को पता ही है, अपनी TTC LRDC की तरफ से ई लेक्चर ऑनलाइन आप लोगों को दिए जा रहे हैं. उसमें से आज मैं ट्विल वीव एंड इट्स डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 जो है वो आप लोगों को आगे समझाने जा रही हूँ. इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज अपन दो वीव्स जो हैं, एक तो ट्रांसपोज्ड और दूसरी है एलोंगेटेड ट्विल, उसको पढ़ेंगे. इससे पहले अपन लोग ट्विल वीव का जो सिद्धांत है उसको जरा पहले एक बार देख लें कि जो भी पैरामीटर हैं. फर्स्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वन आउटवर्ड एंड वन अपवर्ड, यानी कि जो भी अपन को एक जो सक्सेसिव पिक है या एंड है उसको छोड़ते हुए अपन को उसके नेक्स्ट जो है इंटरलेसमेंट पॉइंट लगाने हैं गर्ल्स. और इस वीव की विशेषता है कि इसमें हरदम अपन को डायगोनल लाइंस आती हुई नज़र आती हैं. इसमें जैसे अपन ने सबसे पहले जो है रिवर्सिंग मेथड पे पढ़ा था, पॉइंटेड वेव एंड जिग जैग हैरी बोन पढ़ा था, जिसमें अपन डबल जो है एंड्स एंड पिक्स के ऊपर जो एक रिपीट हो रही है उससे डबल एंड्स पे जो है अपन क्या कर रहे हैं उसकी पूरी हैरिंग बोन ट्विल बना रहे थे. उसके बाद अपन ने ब्रोकन फील पढ़ा था गर्ल्स, जिसमें अपन ने दो तरीके के पढ़े थे, एक रिवर्सिंग या ब्रेक मेथड और दूसरा पढ़ा था अपन ने एंटर एंड स्किपिंग मेथड. तो गर्ल्स आज अपन लोग उसी में एक नया जो अपना ट्रांसपोज्ड ट्विल या रीअरेंजमेंट ट्विल जो है वो पढ़ रहे हैं गर्ल्स. तो ट्रांसपोजिशन या रीअरेंजमेंट ट्विल जो है ये अपन जो रेगुलर ट्विल बेसिक ट्विल जो बना रहे हैं गर्ल्स, उसमें जो अपने जो है इंटरलेसमेंट पॉइंट हैं उन्हीं को ही अपन जो है ना चेंज कर करके यानी कि रिवर्सिंग करके शुरू से ही बना लेते हैं. इस वीव में अपन को बहुत ही अट्रैक्टिव और कहते हैं कि जैसे फॉरेस्ट के सीन जो होते हैं वो एकदम घने होते हैं, वैसे इसमें अपन को जो है डिज़ाइंस जो है वो कपड़े के ऊपर आते हुए नज़र आएंगे. ठीक है, इसमें जो है अपन जो डिज़ाइंस बनते हैं वो ब्रोकन ट्विल की तरह ही हमें डिज़ाइंस जो है वो मिलते हैं. बस ब्रोकन ट्विल में अपन एक रेगुलर और एक ब्रेक करते बनाते हैं. जैसे फोर एंड एंड फोर पिक्स पे अपनी बन रही थी गर्ल्स 2x2 की, तो 1 2 4 3 अपन ने किया था. इसमें गर्ल्स अपन शुरू से ही जो वार्प थ्रेड्स हैं, ठीक है ना, या वेफ्ट हैं, उनको जो है अपन रीअरेंज करके बनाते हैं. शुरू से ही जो है ना अपन अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि रिवर्सिंग करते हुए जो पॉइंट्स हैं उनको बनाते हैं. तो सबसे पहले अपन लोग देखो गर्ल्स, मैंने चित्र ए में सिंपल 12 थ्रेड्स की एक ऑर्डिनरी ट्विल लाइन, ठीक है ना, जो ओरिजिनल अपन ने ये लाइन बना रखी है गर्ल्स. जैसे चित्र ए में देखिए आप 12 थ्रेड्स की क्या है, एक सिंपल ट्विल लाइन बना रखी है. उसको जब अपन गर्ल्स ट्रांसपोजिशन इफेक्ट और ट्रांसपोज ट्विल बनाएंगे तो उसको हरदम अपन क्या करेंगे, उल्टे क्रम में ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो है वो एकदम से अपन चेंज करके बनाएंगे. जैसे कि 2 1 अपना मेन जो बेस है वो मेन ट्विल जो अपनी अपन बना रहे हैं गर्ल्स, जो एक सिंगल ट्विल लाइन चल रही है उसको देखते हुए 2 1 अपोजिट चल रहे हैं गर्ल्स शुरू से ही में जो है रिवर्सिंग. फिर 4 3 ये 2 का पेयर कहलाता है यानी कि 2 ग्रुप. फिर 4 3 के बाद 6 5 8 7 10 9 12 11 समझ गए. तो ये क्या हो गया, अपना 2 का पेयर हुआ. ड्राफ्टिंग ऑर्डर मैंने जो है वो आप लोगों ने देख ही लिया है, अपना 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 है. मेन बेसिक लाइन को आप लोग देख लीजिए ए चित्र को, और उसके हिसाब से अपन ने बी बिल्कुल बना लिया है. तो ये 2 का ग्रुप कहलाता है गर्ल्स इसमें. नेक्स्ट अपन लोग आ जाओ गर्ल्स, ये अभी अपन केवल समझ रहे हैं गर्ल्स, समझ गए ना, ये अपना बेसिक है ट्रांसपोज ट्विल का. नेक्स्ट अपनी आ जाएगी 3 के ग्रुप में. 3 के ग्रुप में अपना ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हरदम शुरू से ही रिवर्सिंग चल रहे हैं, तो इसमें 3 के ग्रुप में चलेंगे 3 2 1 फिर 6 5 4 फिर 9 8 7 एंड फिर चलेंगे 12 11 10. तो ये क्या हो गया गर्ल्स, अपना 3 का ग्रुप हो गया, यानी कि 3 के पेयर में अपन ने ट्रांसपोज्ड इफेक्ट ट्विल का बनाया है. नेक्स्ट देखिए गर्ल्स, अपन ने जो है ए
में सिंपल ट्विल लाइन है, बी में टू का ग्रुप है, सी में थ्री का है, और नेक्स्ट जो फोर का ग्रुप अपन कर रहे हैं गर्ल्स, ये डी है, चित्र डी, यानी कि डायग्राम डी के अंदर अपन ने जो इसमें धागों का जो क्रम है, रिवर्सिंग जो अपन ले रहे हैं वो फोर के ग्रुप में ले रहे हैं। तो फोर का ग्रुप कैसे कि 4 3 2 1, आप फर्स्ट बेसिक लाइन को देख के चलिए, अपन ने सबसे पहले फोर लिया है, ठीक है, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, ठीक है। अब फोर के ग्रुप में सीधा रिवर्सिंग जो है, नेक्स्ट फोर के ऊपर चलेंगे 8 7 6 5, नेक्स्ट चलेंगे 12 11 10 9। ये गर्ल्स इसका जो है अपना एक मेन ट्रांसपोज ट्विल बनाने का है। अब आप इसके ऊपर कोई भी ट्विल वी लेके 3/2 2/1 1/1 किसी की भी लेके आप लोग इस मेथड से उसको पहले बेसिक ट्विल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके ट्रांसपोज्ड इफेक्ट 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में एंड 4 के ग्रुप में बनाएंगे। जो अपना ये ग्रुप, जैसे गर्ल्स, जैसे 2-1 है या 3-2-1 है या 4-3-2-1 है, इसमें अपन इसको एक शेडेड जो फर्स्ट अपना इंटरलेसिंग पॉइंट होगा, इसको शेडेड स्क्वायर के रूप में भी दर्शा सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा या एग्जामिनर को कि आपने एकदम सही वीव बनाई है। तो इसलिए फर्स्ट जो है ये अपना फर्स्ट जो है इंटरलेसमेंट पॉइंट है, उसको आप शेडेड स्क्वायर के रूप में दर्शा सकते हो, समझ गए। तो ये वाली अपनी क्या है, ट्रांसपोज्ड ट्विल है, यानी कि इसका एक देखिए ऑर्डर जो है मैंने इसके बाद बना रखा है। नेक्स्ट अपनी आ जाती है गर्ल्स एलोंगेटेड ट्विल। एलोंगेटेड ट्विल जो है गर्ल्स, ये क्या है, अपने कोई भी जो है किसी भी सेलेक्टिंग या रीअरेंजिंग ट्विल के द्वारा अपन इसको बना सकते हैं। कोई भी जो वार्प थ्रेड्स हैं या वेब थ्रेड, यानी कि एंड्स या पिक्स को अपन एक एक स्किप करके या एक के अंतर से बनाकर एलोंगेटेड ट्विल को बना सकते हैं। जैसे कि अपन ने बेसिक ट्विल देखी गर्ल्स, मैंने अपनी अपने बना रखी है 4/3 and 2/3 का ऑर्डर दे रखा है। इसको अपन ने चित्र क्यू में बनाया है, ठीक है। इधर मैंने पहले आपको ड्राफ्टिंग ऑर्डर बता रखे हैं, है ना। तो ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो है गिवन फैब्रिक आर के अंदर अपन ने लिया है ड्राफ्टिंग ऑर्डर 1 3 5 7 9 11, यानी कि जो अपन बेसिक ट्विल बना रहे हैं गर्ल्स उसमें एक के अंतर से लिया है, ठीक है ना। और ये अपन एंड वाइज बना रहे हैं, तो एंड वाइज में यानी कि हॉरिजॉन्टली अपन जैसे लेंथ वाइज जो है अपन ले रहे हैं, तो ये केवल एंड है अपने, पिक जो है वो पूरे के पूरे अपन ले रहे हैं, है ना। तो 1 3 5 7 9 11, तो ये पॉइंट्स जो है बेसिक ट्विल में से उतार कर यहाँ ले लेंगे। नेक्स्ट एस जो डिजाइन है वो अपन ने एंड वाइज लिया है, यानी कि 1 4 7 11, यानी कि 2 के अंतर से अपन ने जो बेसिक ट्विल है उसमें से 2 को स्किप किया है। जैसे 1 लिया, 2 3 स्किप किया, 4 लिया, 5 6 स्किप किया, 7 लिया, 8 9 स्किप किया, 11 लिया। ये अपने क्या है गर्ल्स, है ना, इवन नंबर्स पे बन रही है, जैसे 4/3 and 2/3 टोटल 12 ends and 12 पिक्स पे ऐसे बन रही है, ठीक है ना। तो इसको जो है अपन, यदि ये वाला जो अपना ड्राफ्टिंग ऑर्डर है ये आगे तब तक चलता जाएगा जब तक कि 1 अपना नहीं आ जाता ब्रेक होके, ठीक है ना। इफ यू मेक दिस नेक्स्ट जो है अपन, ये जो भी एंड वाइज है गर्ल्स, जिसमें जैसे मैंने लिख रखा है इफ यू मेक दिस बेसिक ट्विल एंड वाइज द एंगल विल बी स्टेप, तो यानी कि यदि अपन एंड वाइज ट्विल बनाएंगे तो जो अपना एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, स्टीप, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बनेगा, जैसे 45 डिग्री से ऊपर का बनेगा। जब भी एंड ज्यादा होंगे पिक से तो अपना क्या होएगा, कोण जो है वो हरदम 45 डिग्री से ऊपर बनेगा। लेकिन बट इफ यू मेक दिस बेसिक ट्विल पिक वाइज द एंगल विल बी फ्लैट, यदि अपन बेसिक ट्विल पिक वाइज बनाएंगे गर्ल्स, यानी कि क्रम अपन वो 1 के अंतर और 2 के अंतर से ही रखेंगे, जैसा कि टी और यू में अपन ने दिखाया है, तो उसमें जो है अपना एंगल जो है वो 45 डिग्री से नीचे की तरफ बनेगा, जिसको अपन फ्लैट या रिक्लिंग ट्विल भी बोलते हैं गर्ल्स। गर्ल्स की एलोंगेटेड ट्विल जो है क्यू, उसको अपन ने पहले अपन ने 4/3 and 2/3 का बनाया है, यानी कि 4 up 3 down 2 up 3 down। ये जो है सक्सेडिंग पिक, आप लोग देख रहे हो कि जो 4 ऑफ फर्स्ट जो है अपना, उसमें एक अपन ने एंड को छोड़ा है ना, या पिक छोड़ा है, फिर अपन ने उसके बाद 4/3 2/3
की पूरी रिपीट बनाई है। तो ये वाली चीज़ जो अपन एक के बाद, यानी कि इस तरह से लैडर्स जो हैं अपने एक एक करके ऊपर चलते जाते हैं, तो ये अपनी डायगोनल लाइंस बन रही हैं ट्विल में। तो ये अपनी बेसिक ट्विल है 4x3 एंड 2x3 की, जिसे अपन ने क्यू में बनाया। अब देखिए गर्ल्स, अब अपन इसको एलोंगेटेड ट्विल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले अपन इसको एंड वाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कि स्टीप ट्विल स्टीप ट्विल बनेगी, क्योंकि अपन एंड वाइज कर रहे हैं गर्ल्स। जैसे कि अपन ने एक के अंतर से लिया है, ड्राफ्टिंग ऑर्डर अपना रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो अपनी बेसिक ट्विल है ना गर्ल्स, उसको देख के यानी कि 1 लिया, 2 स्किप किया, यानी कि अंतर कर रहे हैं, डिफरेंट है ना, एक के बाद एक अंतर, एक के अंतर से बना रहे हैं। तो 1 लिया, 2 स्किप किया, 3 लिया, 4 स्किप किया, 5 लिया, 6 स्किप किया, 7 लिया, 8 स्किप किया, 9 लिया, 10 स्किप किया, 11 लिया, ठीक है ना। तो गर्ल्स ये अपनी पूरी क्या हो गई, एक जो है एलोंगेटेड ट्विल वीव बन गई। अब देखो गर्ल्स, नेक्स्ट आ जाओ अपन दूसरी वाले में, 2 के अंतर से लिया है, तो इसमें जो कोण बन रहा है गर्ल्स, सपोज 45 डिग्री से ऊपर बन रहा है, तो ये 60 या जो है अपना 56 के आसपास कोण बनेगा। इसको अपन जो है डी के उससे नाप सकते हो। और अब देखो गर्ल्स, जो अपन 2 के अंतर से लेंगे, तो ये जो कोण है अपना 76 डिग्री के आसपास बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें अपन देखो, अंतर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, कोण जो है वो स्टीप यानी कि 45 डिग्री से ऊपर होता जाएगा, जैसा कि चित्र अपन एस में देख रहे हैं। इसमें अपन ने एंड्स का जो क्रम है, पिक्स तो जो है वैसे ही 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे 12, लेकिन एंड्स जो है पहले अपन ने 1 लिया है, 2, 3 2 के अंतर से छोड़ रहे हैं, 2, 3, 4 लिया है, 5, 6 छोड़ा है, 7 है, 8, 9 छोड़ा है, 10 है, 11, 12 छोड़ेंगे तो वापिस 1 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, स्टीप ट्विल बनेगी गर्ल्स। और स्टीप ट्विल हरदम एंड वाइज, यानी कि एंड्स जो है वो अपन जितने अंतर से छोड़ते जाएंगे उतनी ही अपनी स्टीप ट्विल बनती जाएगी। अपन लोग अब फ्लैट ट्विल के ऊपर आ गए, यानी कि पिक वाइज, जैसे कि पहले अपन ने लिया था, ठीक है ना गर्ल्स, उसमें अपन ने क्या लिया था, एंड वाइज ले रहे थे। तो अपने जो है अब ये हॉरिजॉन्टली बढ़ेगी, एंड्स तो उतने के उतने रहेंगे 12, लेकिन पिक को अपन एक के अंतर से लेंगे। जैसे पिक में अपन ने पहले 1 लिया, 2 हटाया, 3 लिया, 4 हटाया, 5 लिया, इसी तरीके से लेके 11 तक आ गया, ठीक है ना गर्ल्स। तो इसमें अब अपन को जो है काउंटिंग जो है वो अपनी हॉरिजॉन्टली रहेगी पिक, क्योंकि आप जानते ही हो शटल के एक बॉक्स, शटल जो है जब शटल एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स में यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव करती है, तो एक पिक इंसर्ट होता है, और ये लूम में हरदम विड्थ वाइज डायरेक्शन में होएगा। तो इस तरह से अपन विड्थ वाइज यानी कि हॉरिजॉन्टली ही चलेंगे पिक को शो ऑफ करने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे जैसे अपन फ्लैट ट्विल के अंदर ही डिफरेंस ज्यादा लेते रहेंगे, तो कोण जो है वो 45 डिग्री से नीचे की तरफ बनता जाएगा। नेक्स्ट में देखिए गर्ल्स, ये अपना टी है चित्र, जैसे कि मैंने पहले आपको ड्राफ्टिंग ऑर्डर में बताया है। यू ये भी फ्लैट ट्विल ही अपन को बता रहा है, पिक वाइज है, एंड अपन ने पूरे 12 के 12 लिए हैं गर्ल्स, ठीक है ना। और पिक को अपन ने कैसे लिया है, 2 के अंतर से लिया है, जैसे कि पहले फर्स्ट लिया, 2, 3 छोड़ा, 4 लिया, 5, 6 छोड़ा, 7 लिया, 8, 9 छोड़ा, 10 लिया, 11, 12 छोड़ेंगे तो 1 फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी रिपीट तो बननी चाहिए टॉप एंड बॉटम एंड साइड बाय साइड, और ये हरदम हॉरिजॉन्टल, इसलिए पिक जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं तो आप समझते जाइएगा कि अपना जो एंगल है ट्रिल वीव का, जो डायगोनल लाइंस है वो नीचे फ्लैट होती हुई नजर आएंगी, यानी कि 45 डिग्री से और भी कम होता जाएगा एंगल। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से एलोंगेटेड ट्विल जो है अपना स्टीप एंड फ्लैट को समझ गए होंगे। ये 2 नंबर में गर्ल्स बहुत अधिक आता है क्वेश्चन कि स्टीप एंड फ्लैट ट्विल, तो आप लोग ये मान के चलिए कि बिल्कुल मान के क्या पक्का ही है कि जो स्टीप ट्विल है, ठीक है, जब 45 डिग्री से अधिक का कोण बना रहा है तो वो है स्टीप ट्विल। इसमें एंड्स ज्यादा होंगे पिक्स की अपेक्षा, और जब फ्लैट ट्विल वो कहलाती है जब कोण 45 डिग्री से नीचे की तरफ चलता है, जैसे कि 36 डिग्री, नेक्स्ट अपन सोच लो सपोज जो है 15 डिग्री या कोई भी, तो वो जो कोण बनेगा
वो फ्लैट होएगा तो वो फ्लैट ट्विल कहलाएगी, यानी कि इसमें पिक्स ज़्यादा होंगे अपने एंड्स के अपेक्षाकृत, समझ गए? तो यानी कि अंतर ज़्यादा होता जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है आप लोग ये समझ गए होंगे कि स्टीप एंड फ्लैट ट्विल क्या है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आता भी बहुत है 6 नंबर में कि कैलकुलेशन ट्विल एंगल क्या है, ठीक है ना? ये अपने एलोंगेटेड ट्विल के अंदर ही आ जाता है, लेकिन एलोंगेटेड ट्विल में एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टीप एंड फ्लैट ट्विल, एंड सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कैलकुलेशन ऑफ ट्विल एंगल। जो आप लोग अपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आपने उठा के, और अपनी तो अब BTR की साइट ने डाउनलोड भी कर दिए हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर जो भी फाइनल एग्जाम्स में आते थे, तो आप उसको BTR की डाउनलोडिंग में जाके, जो भी अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है उसमें जाके अपने क्वेश्चंस पेपर भी 5 साल तक के ले सकते हैं। तो उसमें आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन ट्विल एंगल का और स्टीप एंड फ्लैट ट्विल का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो गर्ल्स, कैलकुलेशन ट्विल एंगल की गणना अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स? तो फर्स्ट देखिए गर्ल्स, इसमें सबसे मेन 2 फैक्टर्स या कारक जो है ना ट्विल एंगल के ऊपर निर्भर करते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि जो भी अपन डिजाइंस बना रहे हैं गर्ल्स, उसमें एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच क्लॉथ में कितने आ रहे हैं। जितने एंड्स ज़्यादा होंगे और पिक्स कम होंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है, तो उसमें कोण हरदम ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना? सेकंड जो है, द रेट ऑफ एडवांस ऑफ एन इंटरलेसिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वन, यानी कि जो अपना आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपना कोण भी जो है वो डीप जो है बनता जाएगा, यानी कि इन 2 कारकों के ऊपर अपना जो ट्विल एंगल है वो निर्भर करता है। अब देखिए गर्ल्स, व्हेन द वार्क एंड्स पर इंच इज इक्वल टू द वेफ्ट पिक्स पर इंच, द ट्विल एंगल विल बी 45 डिग्री, यानी कि जो वार्क जो है एंड्स पर इंच बराबर है पिक्स पर इंच के, है ना, वेफ्ट बराबर है पिक्स पर इंच के, तो अपना जो ट्विल एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। और यदि वार्प या एंड्स में, वार्प में एंड्स पर इंच ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे वेफ्ट पर इंच से, उतना ही कोण जो है वो 45 डिग्री से ऊपर बनेगा, यानी कि हाई एंगल बनेगा, जिसको अपन स्टीप ट्विल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कि व्हेन द वेफ्ट पिक्स पर इंच एक्सिस्ट द वार्प एंड्स पर इंच द ट्विल एंगल विल बी एन एक्यूट एंगल, तो इसमें कोण जो है वो अपना क्या 45 डिग्री से नीचे का बनेगा, जिसको अपन फ्लैट ट्विल कहेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया गर्ल्स कि पर इंच, पिक्स पर इंच है ना, कपड़े के अंदर वार्प यानी कि एंड्स पर इंच से जितने ज़्यादा होते जाएंगे, यानी कि पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे, तो कोण जो है वो अपना कैसा बनेगा, लो बनेगा, यानी कि फ्लैटर होता जाएगा। तो इसमें अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि 45 डिग्री में एंड्स एंड पिक्स की मात्रा समान होती है। यदि जितने एंड्स पर इंच ज़्यादा होते जाते हैं पिक्स पर इंच से, उतना ही कोण 45 डिग्री से ऊपर का बनेगा, और पिक्स पर इंच जितने बार एंड से अधिक होते जाएंगे पर इंच में, उतने ही कोण अपना छोटा यानी कि फ्लैट बनता जाए। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ ट्विल एंगल जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसको अभी मैंने बताया कि ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, एक तो क्या है फर्स्ट एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच के ऊपर, और जो उसका रेट ऑफ एडवांसमेंट है ट्विल का वो कितना अपवर्ड हो रहा है, कितना आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है ना? इस जो यदि हमें किसी भी ट्विल का एंगल ज्ञात करना है तो उसको आप जो है निम्न जो फार्मूला मैंने इसमें बता रखा है या सूत्र बता रखा है उससे आप लोग जो हैं वो क्लियर कर सकते हो या अपन ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ट्विल अपवर्ड मल्टीप्लाई एंड्स पर सेंटीमीटर अपॉन रेट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ट्विल आउटवर्ड मल्टीप्लाई पिक्स पर सेंटीमीटर। तो इस सूत्र के द्वारा अपन लोग ये पता कर सकते हैं गर्ल्स कि जो है जो भी अपना कोण बन रहा है वो 45 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। तो यानी कि
ये जो अपना कैलकुलेशन ट्विल एंगल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं भी समझ में नहीं आया गर्ल्स, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, और मैं आपकी जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। इसमें गर्ल्स जरूर से कैलकुलेशन ट्विल एंगल में बनाना है। यदि क्वेश्चन पेपर में नहीं भी लिखा आ रहा है गर्ल्स, तो आपको एंगल, ट्विल एंगल या कोई भी चीज़ वो बनानी ज़रूरी है, कम से कम डिज़ाइन तो। तो देखो गर्ल्स, इसमें अपन ने सबसे पहले ओ एक्स वाई करके अपन ने अक्ष ले लिया, यानी कि कॉर्नर डिसाइड कर लिए हैं। अब इसमें देखिए ए जो है वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, एक सिंपल ट्विल लाइन है उससे दर्शा रखा है। अब देखिए इसको अपन बोलते हैं, जब यदि स्टीप बनाना है अपन को एंगल, तो टू अपवर्ड एंड वन आउटवर्ड, ठीक है। अब बढ़ रहा है, टू अपवर्ड एंड वन आउटवर्ड जब करते जा रहे हैं, तो अपना जो कोण यानी कि जो एंगल है वो 66 डिग्री पे बन रहा है, जो कि चित्र बी में बता रखा है। अब अपन इसको जैसे जैसे अपवर्ड यानी कि एंड्स बढ़ेंगे, थ्री अपवर्ड एंड वन आउटवर्ड मतलब पिक्स हो गया, थ्री अपवर्ड एंड वन आउटवर्ड करके जब अपन पूरा कोण बना रहे हैं, तो वो 72 डिग्री का बन रहा है, यानी कि एंड्स बढ़ रहे हैं गर्ल्स, तो कोण अपना 72 डिग्री का बना, चित्र सी दिखा रहा है। नेक्स्ट अपना आ जाता है फोर अपवर्ड वे वन आउटवर्ड, तो कोण अपना बन रहा है डी, यानी कि 80 या 86 डिग्री के आसपास ये अपना कोण बनेगा गर्ल्स, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है अपना इधर उधर वैरी हो सकता है गर्ल्स, लेकिन अपन डी से या इसको इतना भी बनाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट अपन देखें तो यानी कि 45 डिग्री से जो ऊपर के कोण बन रहे हैं, जैसे 66, 72 एंड 80 डिग्री पे, तो ये स्टीप ट्विल कहलाएगा, यानी कि स्टीप एंगल कहलाएगी। नेक्स्ट 45 डिग्री से नीचे, अब देखो गर्ल्स ये आउटवर्ड चल रहा है, टू आउटवर्ड वन अपवर्ड, टू आउटवर्ड वन अपवर्ड, जब इस तरह की अपना रेट ऑफ एडवांसमेंट या चाल होगी, तो ये चित्र ई यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि 45 डिग्री से नीचे क्या है, तो ये फ्लैट या रिकलिंग ट्विल कहलाता है, या इसको जो है अपन फ्लैट ट्विल जैसे मैंने अभी बताया वो भी बोल रहे हैं, लो एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा थ्री आउटवर्ड एंड वन अपवर्ड, समझ गए, थ्री आउटवर्ड एंड वन अपवर्ड, जब इस तरह की चाल चल रहे हैं गर्ल्स, तो ये अपना क्या है, एफ कोण बना रहा है, जो लगभग 26 डिग्री के आसपास बनेगा, समझ गए। नेक्स्ट अपना है फोर आउटवर्ड वन अपवर्ड, देखिए पिक्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और अपन ने जो एंड्स हैं वो एक ही रख रखा है, यानी आउटवर्ड जो है वो बढ़ा रहे हैं और अपवर्ड एक ही रख रहे हैं, तो इससे कोण और भी छोटा बनेगा, 26 डिग्री के बाद 15 डिग्री के आसपास आपका कोण बनेगा, जो जी को दर्शा रहा है। तो गर्ल्स अब ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चित्र के द्वारा और लिखने के बाद बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो ये अपना एक कैलकुलेशन और ट्विल एंगल है गर्ल्स, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये मेरी आप लोगों से बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, और मैं सोचती हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से और रेगुलरली जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। यदि नहीं कर रहे हैं तो अब शुरू कर दीजिए अब, और 100% रिजल्ट लाने के लिए गर्ल्स कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स, अब है जो अपने अभी तक सारी ट्विल वीव्स पढ़ ली हैं, डेरिवेटिव्स जो अपनी फर्स्ट ईयर में हैं गर्ल्स, वो मैंने आज आप लोगों को सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ट्विल वीव से कौन कौन से फैब्रिक्स बनते हैं गर्ल्स, तो देखिए गर्ल्स 2x1 ट्विल से ज़्यादातर जीन्स जो अपन लोग पहनते हैं सामान्यतः वो बनती हैं, जैसे और बूट लाइनिंग्स बनती हैं, जो भी फिट गारमेंट्स हैं आदि वो भी इसी से ही बनाए जाते हैं। जो अपनी 2x2 ट्विल की वीव्स है सामान्यतः उससे ब्लैंकेट और शीटिंग वो बनाई जाती है। 3x1 की ट्विल से अपन ड्रिल फैब्रिक्स बनाते हैं। 2x2 ट्विल से ज़्यादातर अपन जो वार्फ फेस है उससे जो है गैबर्डीन, रेन प्रूफ ओवर कोटिंग, जो अपन रेन के समय पहनते हैं कपड़े, वो इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3x1 ट्विल,
जो अपन जिसको डेनिम भी बोलते हैं, इस की जो है एकदम फिटिंग जो होती है गर्ल्स, क्योंकि बहुत क्लोजली होती है 3x1, है ना, तो यानी कि 3 up 1 outward समझ लो, तो क्लोजर सेटिंग है ट्राउजर्स में। और जो अपनी स्कर्ट्स वगैरह हैं गर्ल्स, वो आदि इसी से ही बनाई जाती हैं। तो ये ट्विल फैब्रिक्स जो है, ट्विल वीव से बने हुए जो ज़्यादातर कपड़े हैं, वो इस वीव से जो है वो ये बनाए जाते हैं। तो गर्ल्स, अब मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग जो है अपनी ट्विल वीव जो है आप लोगों को पूरी समझ गई आ गई होगी, और पूरा इसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हों गर्ल्स तो ज़रूर से बताइए गर्ल्स। बेस्ट ऑफ लक।